माल कब तक भेजेगा माया? वो क्या है ना भाई, अपने एरिया में नया कमिश्नर आया है जिससे अपना छोकरा लोग को साला बहुत दिक्कत हो रहा है। अपने छोकरा लोग को भी पकड़ रखा है साला। देख माया, अपन का धंधा डर पे चलता है। अगर डर खत्म हो गया तो समझ तू भी खत्म हो गया। मुझे नहीं पता तू क्या करेगा। मुझे एक हफ्ते के अंदर अंदर माल चाहिए। ठीक है भाई, मैं कुछ करता हूं। भाई नया लड़का है ना अपनी गैंग का, हमें से आगे इंफॉर्मर निकला साला। तो अभी तक के तुम लोगों की जंग लड़ा रहे थे भैंचो, जाओ जाकर निपटा दो साले को। बड़ा बात साला कमिश्नर का। क्या हाल है साजिद मियां, चाय पी लो तो चले इमराज के घर। बहुत भगा लिया ताले तूने। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? अरे भोसड़ी के तेरी खाला के 40 में जा रहा हूँ, चलेगा? काम की बात बता। भाई उस्ताद जितनिया था ना, निपटा दिया साले को बीच चौराहे पे। अच्छा किया साले को निपटा दिया, वरना एक दिन हमारे लिए मुसीबत बन जाता। अच्छा सुन, मैं कुछ दिनों के लिए विदेश जा रहा हूँ, तू सब कुछ संभाल लेना। और हाँ, उस कमिश्नर का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है? क्या क्या विदेश? अबे भोसड़ी के, तू अपने दोनों का बैठ के भी नहीं पहुंच पाएगा विदेश, और खात में रहला इतना बार ना वीडियो का। किसी दिन टाइम निकाल के तू भोसड़ी का बोल, स्क्रिप्ट में थायर और वो। अच्छा सॉरी भाई, सॉरी। अच्छा ठीक है भाई, आप जाओ, मैं संभाल लूंगा। नमस्कार दोस्तों, आज तक ग्रेटर ब्रेकिंग न्यूज की अब तक की सबसे बड़ी खबर। हमारे लेतपुर शहर में दिन दहाड़े लूट मारपीट मर्डर जैसे केस सामने आ रहे हैं। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? क्या हमारे देश की पुलिस प्रशासन ऐसे ही हाथ पे हाथ रखी बैठी रहेगी और इन गुंडों को बढ़ावा देती रहेगी? ये न्यूज चैनल वालों ने अभी ना साला दिमाग खराब करके रखा है। क्यों तावड़े? अरे ये तावड़े कहाँ गए? ये साला रोज अकेले अकेले चाय पीने चला जाता है। अरे बैठना था ओड़े, फिर चाय ले। सर आप हमेशा इतना सीरियस क्यों रहते हो? आपका मन नहीं करता क्या कुछ करने का? करता है ना दावड़े, ये जो माया है ना, इस शहर को अपने बाप की जागीर समझता है। जिस दिन मेरे हफ्ते चलेगा ना, दौड़ा दौड़ा के मारूंगा साले को। हाँ सर, और ये दिन बहुत जल्दी आएगा। सर ये देखो, माया का खास आदमी बिल्ला, यही ठोकते हैं साले को।
ठोकेंगे दावड़े, जरूर ठोकेंगे, मगर अभी नहीं, सही टाइम आने दे। वो कहते हैं ना, सबर का फल मीठा होता है। नहीं सर, यही ठोकते हैं, इससे अच्छा मौका हमें कभी नहीं मिलेगा सर। नहीं दावड़े, अभी नहीं, चल गाड़ी स्टार्ट कर। माया, मुझे बहुत खुशी हुई कि तू खुद चल के मेरे लिए माल लेके आया। अच्छा भाई, चलता हूँ। एक मिनट माया, तंगों का क्या है भाई, सब बदलते हैं, कोई जान बचाने के लिए तो कोई जान लेने के लिए। और हाँ, आज से मैं आपके लिए काम नहीं करूँगा, चलता हूँ, खुदा हाफिज़। साला कल का आया लौंडा, भाई कितना खड़ा होता है तो काम चलाने को। देखिए महोदय जी, गाली गलौज हमको शोभा नहीं देता, इज्जतदार फैमिली से। अब ऐसा भी नहीं है कि इज्जतदार फैमिली में सब कोई शरीफ होता है, बहुत रास्ता मिलेगा तुमको, मगर हम भागने का मौका नहीं देंगे। और वो जी असलाए के दम पे सारा आसमान उड़ रहे हो ना, ऐसे कनपट्टे के पीछे दो घंटा पड़ेगा ना, वहीं ठहर जाओगे। और हाँ, चलता हूँ भाई। भाई ये टेडी शूटर है, नाम है या खिलौना? मजाक कर रहा हूँ, आ बैठ। मेरे लिए एक काम करेगा? काम करने ही आया हूँ शहर, वरना गाँव जाकर हल चला रहा हूँ। तेरे को अपने आप पर बहुत भरोसा है ना? चल ठीक है, इसे निपटा दे। साला तेरे को इतना पैसा देगा, इतना पैसा देगा, साली आखिर लाइफ चेंज हो जाएगी। ठीक है भाई, काम हो जाएगा। भाई, जो कल तक आपके लिए काम करता था, आज वो आपके ही मुंह पर आपके काम को मना करके गया है। ऐसा क्यों? इस खामोशी के पीछे कोई गहरा राज भाई। जब गीदड़ की मौत आती है ना, तो वो शहर की तरफ भागता है। और हाँ, वैसे भी हमारे धंधे में लोग गटर से उठ के आते हैं, कुछ गटर में ही रह जाते हैं, कुछ हमारे जैसे बन जाते हैं। भाई मेरे को समझा नहीं, तू देखता जा काली, धीरे धीरे सब समझ जाएगा। बोल, तुझे किसने भेजा? तू मुझे जान से भी मार देगा ना, तो भी मैं नहीं बताऊंगा कि मुझे किसने भेजा। चल तेरी ये ख्वाहिश भी मैं पूरी कर देता हूँ। अबे सुन, तूने उस खन्ना बिल्डर्स को कॉल किया था कि नहीं? किया था ना भाई, साला बोल रहा था अपन तेरे जैसे टपूनियों से बात नहीं करता। ओ, बात नहीं करता। हेलो माया, क्या चाहिए तुझे? अपन को नहीं रे, तेरे को चाहिए सेठ। क्या प्रोटेक्शन? देख, तेरी फैमिली भी इधर ही ललितपुर में, और अपन भी इधर ही ललितपुर में, समझा क्या? चल 20 पेटी तैयार रखना। अबे सुन साले भड़वे, तू किसे धमकी दे रहा है? खन्ना बिल्डर्स को तेरे जैसे लोग कई आते जाते देखा है मैंने,
तुझ जैसे लोग 20 लाख तो क्या, 20,000 के लिए हर रोज मारते हैं। अब मेरा नंबर भूल जा, समझा क्या साला भड़वा। अबे हंसना, हंस, अब हंसना साला। मैंने सुना है इस खन्ना की बिगड़ी हुई औलाद भी है जो रोज कॉलेज जाती है। हाँ भाई, बहुत थॉट है। तुझे पसंद है क्या? अबे साले छुपे रुस्तम, जा उठा ले। हैं? हूँ क्या, जा उठा ले। और हाँ, अपने सारे पंडल लोग को भी साथ में लेके जाना, समझा क्या? मुझे ठीक से भी जानता नहीं है। तुझे पता भी है कि मेरा बाप कौन है? कौन है? विधायक। ओ, तो भैया के पापा विधायक हैं। तो हम लोग क्या तेरे को बार डांसर नजर आ रहे हैं वेंचो? इंट्रोडक्शन दे रहे। क्या चाहिए तुझे? डैडी, डैडी मुझे बचा लो। डैडी, ये लोग कौन है? मुझे मार डालेंगे। डैडी बचा लो मुझे। अरे सुन, अभी 50 पेटी लेके बस स्टैंड के पीछे वाली बिल्डिंग में आ जा, समझा क्या? हेलो, कौन? अभी माया और माया की गैंग का एड्रेस लिख, बस स्टैंड की पीछे वाली गली, बिल्डिंग नंबर 302। और हाँ, 1.5 भी आदमी बचना नहीं चाहिए। भाई अब इसका क्या करना? वही करेंगे जो एक लड़की के साथ होता है। क्या? हम लोग एक गेम खेलेंगे, जिसके पास बादशाह आया वो इस रानी के पास जाएगा। आइए आइए कमिश्नर साहब, अच्छा किया जो आप खुद चल के हमारे दरवाजे पर आ गए हो।
वो कहा है कि अपन तुम्हारा नाम सुन सुन के पगला गए थे, अब बिन बुलाए मेहमान आ ही गए तो जरा इनकी खातिरदारी भी कर दो।